फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काशु आर्ट एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए फैब्रिक पेंटिंग के कंप्लीट गाइड लाई हूं। तो अगर आपका भी फैब्रिक पेंट करने के बाद कपड़ा हार्ड हो जाता है तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं फैब्रिक पेंटिंग से जुड़ी हर टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है कॉटन खादी कुर्ती। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही कुर्ती अवेलेबल थी तो मैंने सोचा कि इस बोरिंग सी ऑफ वाइट कुर्ती को हम थोड़ा सा कलरफुल लुक दें। तो आप सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल सा फ्लोरल डिज़ाइन बनाया है ताकि आप सब भी इसे आसानी से बना सकें। सो फैब्रिक फॉर 24 आवर्स। जी बिल्कुल, अगर आपका नया कपड़ा है जिस पे आप पेंट करने वाले हैं तो आपको फैब्रिक को ज़रूर सोक करना है 24 आवर्स के लिए। इसको नॉर्मल पानी में ही आप भिगो के रख दीजिए। अगर पुराना कपड़ा है जो आपने पहना हुआ है या वॉश किया हुआ है तो उसको आपको सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेंटिंग से पहले कपड़े भिगोने के आपको दो फायदे होंगे। पहले तो कपड़े की हार्डनेस चली जाएगी, क्योंकि हार्डनेस के लिए एक नए कपड़े में स्टार्च लगाया जाता है। तो अगर वो स्टार्च रिमूव हो गया उसके बाद आप आराम से पेंटिंग कर सकते हैं, आपका कपड़ा हार्ड नहीं होगा। और सेकंड, आपका कपड़ा अगर श्रिंक होना है तो वो उसी स्टेज पर हो जाएगा। सेकेंड टिप है आयरनिंग। आपको पेंटिंग से पहले अपने कपड़े को अच्छे से आयरन करना है ताकि जितने भी क्रीजेस हैं कपड़े की वो निकल जाए। क्रीज होगी तो आपका पेंट ठीक नहीं होगा, ब्रश ठीक नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको कपड़े को सीधा रखना है, क्योंकि हम लोग कोई भी फ्रेम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इन दो स्टेप्स के बाद हम लोग पूरी तरह रेडी हो गए हैं अपनी पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये फ्लोरल फोक पेंटिंग है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत कलरफुल ये पेंटिंग है। अगर लाइट शेड है तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और अगर डार्क शेड है तो आपको टेलरिंग चॉक से ड्रॉ करना है। नीचे वाला कपड़ा ख़राब ना हो इसके लिए हमें बोर्ड यूज़ करना है। आप चाहें तो कोई भी गत्ता यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बेस के लिए यूज़ करना है, और ऊपर लगा लेना है एक पेपर, जिससे हमारा जितना भी एक्स्ट्रा पेंट होगा वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने पहले ही आयरन कर लिया था तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेम यूज़ करने की, हम ऐसे ही अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ है हमारे पास दो टाइप के एक्रेलिक कलर्स। मार्केट में इन दोनों को ही एक्रेलिक कलर के नाम से जाना जाता है, बट एक है एक्रेलिक कलर और दूसरे हैं फैब्रिक कलर्स। हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक्रेलिक कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक के लिए, लेकिन हम वो पहले यूज़ करते थे, उससे कपड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो हम फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कलर अवेलेबल नहीं है तो आप एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। बट उसके लिए आपको कपड़े को पेंट करने के बाद 24 आवर्स के बाद उसे रिवर्स साइड आयरन करना होगा, मतलब उसे पलट के दूसरी तरफ कपड़े को प्रेस करना होगा। बट फैब्रिक की अगर आप फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं तो आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि बेस के लिए फैब्रिक कलर्स ही यूज़ करें। डिटेलिंग के लिए हम लोग एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर मिक्स करने के लिए आपको चूज़ करनी है एक राइट पैलेट। ये घर में अवेलेबल होती है सबकी, स्टील की आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, या आप कांच का कोई भी बाउल, या आपके पास अगर कांच की प्लेट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर्स के लिए मैं प्रेफर करती हूँ ग्लास, क्योंकि इससे क्लीनिंग बहुत इजी हो जाती है। आफ्टर पेंटिंग जब आपको क्लीन करना हो तो आपको सिर्फ इसमें 5 से 10 मिनट के लिए पानी डाल के रखना है, और कलर अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। आपको कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ वाटर ओनली फॉर शेडिंग। तो आपने जैसे काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि पेंटिंग करने से पहले सब स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते हैं अपने क्लोथ पे, पर आपको इसे तभी स्प्रे करना है जब आपको शेडिंग करनी हो। अगर आपको कोई भी वेक्टर फ्लावर्स क्रिएट करने हैं, नॉर्मल सॉलिड पेंटिंग करनी है, तो आपको स्प्रे नहीं करना, क्योंकि अगर सॉलिड कलर्स के लिए आपने स्प्रे किया तो आप देख सकते हैं साइड में एजेस हैं वो फैल गई हैं पानी की वजह से, तो इसलिए आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप शेडिंग हैं तो आपको बहुत माइल्ड सा स्प्रे यूज़ करना है, सिर्फ एक या दो स्प्रे आपको करना है, ज़्यादा गीला भी नहीं करना। स्प्रे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। अब मैंने इसे यहाँ ठीक कर दिया है, मैंने इसे तो 15 मिनट के लिए सुखा दिया था कपड़े को। अब जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है तो मैंने इस पर ब्लू कलर किया है इस फ्लावर को। बहुत ही सिंपल फ्लावर है, 5 पेटल्स का फ्लावर आई थिंक सभी ने बनाया होगा, तो बस हमें अब वही बनाना है। और अब इसके सेंटर में हम करेंगे येल्लो कलर। आपको डल कलर यूज़ नहीं करने हैं, कलर जितने हो सके ब्राइट कलर्स ही आपको यूज़ करने हैं, ताकि हमारा जो पेंटिंग है वो बहुत कलरफुल और बहुत ब्राइट बने।
तो जो भी आपके पास कलर्स हैं आप बस उन्हीं के ही कंट्रास्ट में ब्राइट कलर्स लें और आप वही यूज़ करें। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस कलर के साथ यही कलर यूज़ करना है। आप कोई भी लाइट और डार्क शेड को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने ब्लू के साथ येलो यूज़ किया है, आप इसे ग्रीन के साथ यूज़ कर सकते हैं, रेड के साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेंटिंग टिप है टेक लेस स्प्रेड मोर, मतलब आपको ब्रश में कलर कम से कम कलर लेना है बट उसे स्प्रेड ज़्यादा करना है। अगर आपने थिक थिक कलर लगाया तो उससे कपड़ा हार्ड होगा। हमें हमारा मोटिव है सिर्फ कलर कपड़े को कलर करना, ना कि उसे हार्ड करना या उसमें कलर भरना। तो आपको इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। आप देख सकते हैं मैंने जो कलर लिया है पहले मैं अच्छे से उसको स्प्रेड कर रही हूँ जब तक वो बिल्कुल कलर ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल हमें थिन लेयर लगानी है कलर की। जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा मैं तभी दूसरा कलर लूँगी और फिर हम मुझे इस कलर को भी अच्छे से स्प्रेड करना है। कोई भी थिक लेयर नहीं रहनी चाहिए, इससे आपका कलर भी कम यूज़ होगा और कपड़े की सॉफ्टनेस भी बनी रहेगी। लेट इट ड्राई, मतलब जब आपका एक फ्रेम कंप्लीट हो जाए तो आपको इसे देखना है जितना भी एक्स्ट्रा कलर है वो नीचे पेपर पे आ गया है। तो आपको पहले इसे चेक करना है कि कलर पूरी तरह से सूख गया है या नहीं, क्योंकि अगर कलर गीला हुआ और आपने फ्रेम चेंज कर दिया, मतलब आप इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो हो सकता है ये कलर आपके कपड़े पर लग जाए। तो इसे अभी गीला है हल्का, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। जब ये सूख जाएगा मैं तभी इस बोर्ड को शिफ्ट करूँगी। ऐसे ही मैंने सारे फ्लावर्स का बेस कलर लगा दिया है। यहाँ मैं कुछ लीव्स बनाऊँगी फ्लावर्स के साथ। इसके लिए भी आपको बहुत सिंपल ही लीव्स बनानी है, ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं करनी। सिंपल एक लीव की आप शेप बनाइए और उसमें कलर फिल कर दीजिए। यूज़ येलो टू लाइटन कलर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लीव के लिए कलर को लाइट करें, जैसे मुझे लाइट और डार्क दोनों शेड चाहिए लीव की, तो ग्रीन के साथ कभी भी वाइट कलर ऐड नहीं करना। जैसे आपने देखा होगा कि हमें जब भी कलर लाइट करना होता है तो हम वाइट कलर ऐड करते हैं, बट लीव के लिए आपको वाइट कलर ही ऐड नहीं करना। आपको यूज़ करना है येलो कलर। तो जितना आपको लाइट शेड चाहिए आप उतना ही येलो कलर इसमें ऐड करते रहिए। And this is a perfect shade that I want. Clean your brush immediately. जैसे ही आपका ब्रश यूज़ हो जाए आपको एक कंटेनर रखना है पानी का अपने पास और उसको ब्रश को अच्छे से साफ़ करना है, और साथ ही में आपको एक कपड़ा भी अपने पास रखना है जिससे आप अपना ब्रश को साफ़ कर सकें। ध्यान रहे इसमें कोई भी कलर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इसे हाथ के हाथ आप इसे साफ़ करते रहिए ब्रश को। और साथ ही आपको ये याद रखना है कि आपका कोई भी ब्रश कंटेनर में पड़ा नहीं रहना चाहिए, इससे ब्रश जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। और साथ में हो सके तो आप दो कंटेनर्स रखें, एक लाइट शेड के लिए और एक डार्क शेड के लिए, ताकि आपको बार बार अपना पानी चेंज ना करना पड़े। इसी के साथ हो गया है हमारा पूरा बेस रेडी। हमने सॉलिड कलर्स लगा लिए हैं, बहुत सिंपल फ्लावर्स बनाए हैं, आप भी इसे बना सकते हैं। साथ ही मैंने नेक पे भी कुछ डिज़ाइन बनाया है, ये मैंने इसके अपोजिट साइड बनाया है। आप चाहें तो इसे नेक के दोनों तरफ बना सकते हैं बट मैंने इसे एक ही साइड बनाया है। तो देखिए हमने अभी इसमें सिर्फ बेस कलर लगाया है और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या मैं इसमें थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड करूँगी बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऐड करूँगी, ज़्यादा उसमें कुछ टफ नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं। ब्लू फ्लावर के लिए मैंने येलो की आउटलाइन की है रेड कलर से, साथ ही डार्क ब्लू कलर से आपको इस फ्लावर की आउटलाइन करनी है और वाइट कलर से आपको इसके इनर पेटल्स बनाने हैं। तो हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है, ऐसे ही हमें बाकी फ्लावर्स भी बनाने हैं। बहुत सिंपल हम डिटेल्स ऐड करेंगे इसमें। सेकेंड फ्लावर के लिए मैंने लिया है यहाँ ईयरबड, इसमें मैंने रेड कलर लगाया है।
मुझे इसे येलो एरिया का आउटलाइन बनानी है। अब मुझे ब्राउन कलर चाहिए बट मेरे पास सिर्फ एक्रेलिक कलर ही अवेलेबल है, फैब्रिक कलर नहीं है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। डिटेल्स के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक, फैब्रिक, कोई भी कलर यूज़ करें हैं जो कि एक्रेलिक ही हैं। बस टेक्निक आपको सेम रखनी है, आपको कलर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है ताकि उसमें हार्डनेस ना आए। बस डिटेल्स के लिए आपको ब्लैक आउटलाइन और एक वाइट हाईलाइट ज़रूर देनी है, इसी से आपका डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और जितना मैंने सोचा था ये उससे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि इस पेंटिंग पे कोई भी क्रैक नहीं आएंगे, कपड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो देखिए मैंने इसे पूरा टाइट कर लिया है बट फिर भी इस पे कोई भी क्रैक नहीं है और कपड़े की सॉफ्टनेस अभी भी बरकरार है, कोई भी कलर की थिक लेयर नहीं है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है कपड़ा। तो पेंटिंग के बाद आपको इसे 7 दिन का रेस्ट देना है, आपको इसे वॉश नहीं करना, पहनना भी नहीं है क्योंकि इसे आप सनलाइट से दूर रखेंगे 7 दिन के लिए। इसे आप अपने रूम में भी हैंग कर सकते हैं। इसे हमें कम्प्लीटली ड्राई होने देना है क्योंकि जितना एक्रेलिक कलर ड्राई होगा उतना ही वो परमानेंट होगा। तो यहाँ मैंने इसे रोप पे टांगा था क्योंकि बीच में मेरे कोई डिज़ाइन नहीं है, बट अगर आपका डिज़ाइन ऊपर तक आ रहा है तो आप इसे हैंगर में ही हैंग करें। और अगर आपने एक्रेलिक कलर यूज़ करे हैं तो 24 आवर्स के बाद आपको इसकी रिवर्स साइड, मतलब आपको इसे पलट के आयन करना है। अगर आपने सिर्फ फैब्रिक कलर्स यूज़ करे हैं तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।